हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपका नवंबर हॉरोस्कोप, यानी 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक का टाइम पीरियड आपके लिए कैसा रहने वाला है ये आज आप जानोगे। सबसे पहले आपकी ओवरऑल एनर्जीज चेक करी जाएंगी, फिर आपकी रिलेशनशिप, फिर आपकी हेल्थ और फिर आपके करियर को चेक करा जाएगा। साथ ही साथ क्या यूनिवर्सल गाइडेंस है इस मंथ में आपके लिए, वो भी आज हम चेकआउट करने वाले हैं। तो अगर ये रीडिंग्स आपको पसंद आती हैं तो जरूर मेरी रीडिंग्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए सबसे पहले बेल आइकन प्रेस करें। और अब आप मेरे मेंबरशिप क्लब के मेंबर भी बन सकते हैं ज्वाइन कर, तो ज्वाइन बटन भी एक्टिवेटेड है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए या हमारे कोर्सेज में एनरोल करने के लिए मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से आप एनरोल कर सकते हैं। सो चलिए फिर अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो हाय कैप्रिकॉर्न, लेट अस चेक आउट कि आपकी ओवरऑल एनर्जीज कैसे रहने वाली है इस मंथ। फिर आपका रिलेशनशिप और आपका करियर भी हम चेकआउट करेंगे, आपकी हेल्थ भी हम चेकआउट करेंगे। पहले हम आपकी ओवरऑल एनर्जीज चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन बताएं क्या है ओवरऑल एनर्जीज। थ्री ऑफ कप, सबसे पहले थ्री ऑफ कप की एनर्जी है, दूसरा यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज है, फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज एंड यहाँ पर है टावर की एनर्जी। ओके, आप बहुत ज्यादा फन, बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट की एनर्जी में कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिख रहे हो। रिलैक्सिंग टाइम पीरियड, आप बहुत ज्यादा, मतलब इट्स दैट एनर्जी जहां पर आप इतना ज्यादा एंजॉयमेंट में डूब गए हो या इतना ज्यादा आप एंजॉय कर रहे हो ना कि आप बाकी चीजों पर ध्यान देना जैसे भूल गए हो। आप चीजों को बहुत लाइटली लेने लग रहे हो इस मंथ में, मुझे ऐसा लग रहा है। ना ही आप अपने करियर पर ध्यान दे रहे हो, आप अपने रिलेशनशिप्स पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहे हो, बहुत आउटसाइड ईटिंग भी यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो यू आर इन दैट एनर्जी जहां पर आप बहुत ज्यादा अपने फन और अपनी एंजॉयमेंट की तरफ हो, और जिसकी वजह से काफी चीजें, क्योंकि आपने बाकी चीजों को बहुत हल्के में ले लिया है, अपने करियर को बहुत ज्यादा लाइटली ले लिया है ना, तो मैं देख रही हूँ कि उसमें आपको कोई नुकसान होने के चांसेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपको किसी भी चीज को लाइटली नहीं लेना है। करियर अपनी जगह है, हेल्थ अपनी जगह है, रिलेशनशिप अपनी जगह है, आपको किसी भी चीज को लाइटली नहीं लेना है। हर चीज को इक्वली प्रायोरिटी और इंपॉर्टेंस आपको देनी है, एक बैलेंस मेंटेन कर चलना है। इस टाइम पीरियड में सेविंग और इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड है, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ कर आपको करने की जरूरत है। यहाँ पर कोई शॉकिंग न्यूज आपको मिलने के चांसेस हैं, कोई ऐसी न्यूज जो आपको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर सकती है, आपको परेशान कर सकती है, तो कोई ऐसी शॉकिंग न्यूज आपको मिलने के भी स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये बता रही है कि आपके पास कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है। ठीक है, ग्रो करने की, कोई न्यू बिजनेस ऑफर, कोई न्यू जॉब ऑफर आपकी तरफ आ रहा है जिसको आपको बिल्कुल ग्रैब करना चाहिए, बिल्कुल जाने नहीं देना चाहिए इस ऑफर को, क्योंकि अगर आप इस ऑफर को जाने देंगे ना तो ये आपका शायद सबसे बड़ा लॉस हो सकता है, लॉस साबित हो सकता है। आप एंजॉयमेंट करें, रिलैक्स करें, दैट इज नो इशू। ठीक है, आप जरूर करें, लेकिन हर चीज को आपने इक्वल प्रायोरिटी देना है। आप कुछ ज्यादा ही सोशलाइज करो, किटी पार्टीज में इन्वॉल्व होना, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग्स पर जाना, ट्रिप्स पर जाना। ठीक है, बहुत ज्यादा पैसा आप खर्च रहे हो, बहुत एक्सपेंसेस कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं आपके, तो कहीं ना कहीं आपको उन चीजों को कंट्रोल करने की जरूरत है। ओवर एक्सपेंसेस को आपको कंट्रोल करने की जरूरत है इस टाइम पीरियड में, अदरवाइज आप किसी तरीके के भी लॉसेस फेस कर सकते हो। जिन भी लोगों की आप हेल्प कर रहे हो ना इस टाइम पीरियड में, आप उनसे एक्सपेक्टेशंस ना रखें, क्योंकि जिन भी लोगों की आप हेल्प कर रहे हो ना वो आपको इक्वली वो चीजें नहीं दे रहे हैं जो आप डिजर्व करते हो। ठीक है, तो अगर किसी की हेल्प करनी है तो उतनी लेवल पर हेल्प करना कि सामने वाला अगर आपकी मदद ना करें तो आपका दिल ना टूटे, आप हर्ट ना हो जाओ। ठीक है, तो उतनी ही हेल्प करो सामने वाले पर्सन की। चलिए और भी चेकआउट करते हैं, आपके रिलेशनशिप को आप चेकआउट करते हैं कैसा जाने वाला है। ओप्स, आई एम सॉरी। प्लीज डिवाइन बताएं कैसा जाएगा कैप्रिकॉन्स का रिलेशनशिप। तो आपके रिलेशनशिप के लिए एनर्जी सबसे पहले है 10 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। ग्रेट, रिलेशनशिप में किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हो सकता है आप किसी व्यक्ति के साथ, किसी रिलेटिव के साथ ऐसे रूड हो जाओ और आपके कन्फ्लिक्ट हो जाए। ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हो। आपके इस ब्लंट एटीट्यूड से और बिहेवियर से ही आपके रिलेशनशिप खराब होने के चांसेस हैं। ठीक है, सो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको वो बोलना है जो आपको बोलना चाहिए। ठीक है, किसी से रूड बोलने से अच्छा है कि चुप रहे, है ना।
अब यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा ओपनली एक्सप्रेस कर देते हैं कि हाँ भाई मुझे ये नहीं पसंद, मुझे ये पसंद है, और वो चीज़ किसी को हर्ट कर सकती है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से आपके कन्फ्लिक्ट किसी व्यक्ति से हो सकते हैं। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये बता रही है कि आप किसी आपके पार्टनर की रियलिटी आपके सामने आएगी। मे बी कुछ, मैंने कहा ना, कोई शॉकिंग न्यूज आपको मिल रही है। हो सकता है आपके पार्टनर अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, या आपके पार्टनर अगर सिचुएशनशिप में है, या वो आपके साथ रिलेशनशिप में होते हुए किसी और के साथ भी उन्होंने रिलेशनशिप रखा है, तो ऐसी कोई न्यूज आपको मिलने के चांसेस यहाँ पर हैं जो कि आपके ट्रस्ट को तोड़ेगी चीज, ठीक है। लेकिन एट लास्ट आपको सही लगेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि एटलीस्ट रियलिटी तो आपके सामने आएगी, और आपके पार्टनर उस चीज के लिए रिग्रेट और गिल्ट करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे आपके लिए। यहाँ पर आप देख रहे हो ना, आपके पार्टनर आपके लिए जैसे एफर्ट्स डाल रहे हैं, वो एफर्ट्स डाल रहे हैं आपका भरोसा जीतने के लिए, आपके ट्रस्ट जीतने के लिए। तो रियलिटी भी सामने आएगी और आपके पार्टनर आपसे माफी भी मांगेंगे और उन चीजों को रिपीट भी नहीं करेंगे। यहाँ पर फैमिली बॉन्डिंग और फैमिली टुगेदरनेस बहुत ज्यादा इंक्रीज होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रही है, जो कि आपको बहुत ज्यादा सही रहेगी, आपके लिए अच्छी रहेगी, ठीक है। फैमिली का सपोर्ट, फैमिली का इमोशनल सपोर्ट आपके बहुत काम आता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके, चलिए आपके करियर पर ध्यान देते हैं, आपके करियर कैसा जाने वाला है। इट्स सेवन ऑफ कप कैप्रिकॉन्स एंड फाइव ऑफ वैंड, टू ऑफ पेंटिकल। मैंने कहा ना, आप इतना ज्यादा अपने फन में हो, अपनी एंजॉयमेंट में हो, कि आप अपने करियर पर ध्यान नहीं दे रहे हो। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको इतना ज्यादा फन में नहीं जाना है, क्योंकि आपके करियर में एक डाउनफॉल में यहाँ पर देख रही हूँ। आपको स्ट्रेस हो सकता है अपने करियर की वजह से, एट लास्ट आपको पता लग सकता है कि यार मैंने अगर ये करा होता तो ऐसा हो जाता है ना। तो अपने करियर पर थोड़ा ध्यान दो, फोकस करो। आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, ग्रैब करना आपके हाथ में है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज तो आती हुई दिख रही हैं। एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, कोई इस टाइम पीरियड में आपको कोई न्यू इन्वेस्टमेंट या फिर किसी के साथ कोलैबोरेशन या पार्टनरशिप करने से आपको थोड़ा सा बचने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से कोलैब्स या पार्टिसिपेशन करोगे ना, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको ज्यादा पॉजिटिव फील होगा उस चीज से, क्योंकि कोई व्यक्ति जैसे आपको धोखा दे रहा है। पार्टनरशिप में भी हो सकता है कि कोई पर्सन आपको धोखा दे रहा है, आप ही के पीठ पर छुरा भोंक रहा है, ठीक है, और आपको ये रियलिटी हो सकता है बाद में पता चले तो आप अफसोस करो। तो ये थोड़ा नवंबर का टाइम पीरियड आपका ऐसा रहेगा जहां पर आपको अपने करियर और अपने फाइनेंसेस पर ध्यान देना है, और ट्रस्ट करने पे, लोगों पर ट्रस्ट करने से आपको बचना है, क्योंकि कोई पर्सन आपको धोखा दे सकता है इस टाइम पर, ठीक है। तो बहुत, तो मतलब कोई भी स्टेप ले रहे हो ना आप, तो ध्यान रखो कि आप बहुत सोच समझकर स्टेप्स लो, बिना सोचे समझे कोई स्टेप आपने नहीं लेना है, सोच समझकर ही आपने सारे स्टेप्स लेने हैं। यहां पर मैं देख रही हूं कि फाइनेंशियल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पैसे आपको जितने आपको पैसे की जरूरत है उतने आपको मिल जाएंगे, लेकिन जितने पैसे आप इस टाइम पीरियड में अर्न कर रहे हो ना, मैं देख रही हूं कि उतना ही पैसा आप स्पेंड भी कर रहे हो। यस, कोई न्यू प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हो, यू कैन डू इट, वो आपको बहुत गेन दे सकती है, कोई इन्वेस्टमेंट आपको गेन दे सकती है, बट मेक श्योर कि आप पार्टनरशिप में कुछ ना करें, क्योंकि पार्टनरशिप में आपका लॉस मुझे नजर आ रहा है। ओके, चलिए हेल्थ इश्यूज भी चेकआउट करते हैं, कैसे रहेंगे इस मंथ में आपके हेल्थ इश्यूज। हेल्थ इश्यूज अगर आपके देखे जाए, कैप्रिकॉर्न, इट्स स्ट्रेंथ, व्हील ऑफ फॉर्चून, स्टार, ओके, एंड नाइन ऑफ कप, ग्रेट। हेल्थ इश्यूज तो बहुत सही दिख रहे हैं मुझे, मतलब कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, ठीक है। आप काफी रिलैक्स, काफी पॉजिटिव फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है एक नया जन्म हुआ है ना, जैसे आपका एक बहुत अच्छी एनर्जी आप फील कर रहे हो अपनी हेल्थ में जैसे, ठीक है। इट्स वेरी पॉजिटिव, वेरी अपलिफ्टेड आप अपनी हेल्थ को लेकर फील कर रहे हो, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत योगा, बहुत मेडिटेशन, एक्सरसाइजेस आप कर रहे हो ऑलरेडी, जो कि आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट ही दे रही है। तो हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड मुझे ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आप वाटर का इनटेक अपने अंदर बहुत ज्यादा बढ़ाएं, ठीक है, और थोड़ा सा आउटसाइड फूड से आपको दूर रहने की जरूरत है। अदरवाइज हेल्थ इश्यूज वाइज एवरीथिंग इज ओके, इस मंथ में सही रहेंगी चीजें। आपको बस अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखना है। बड़ी से बड़ी बीमारी की भी रिकवरी यहाँ पर होती हुई मुझे दिख रही है कुछ लोगों की, यानी अगर आपको कोई बड़ी से बड़ी बीमारी भी है ना, तो उसकी भी रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ओके, चलिए कुछ आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं एक बार। तो आपके लिए जो गाइडेंस निकल कर आ रही है, इज लाइक यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। आप बहुत चिंता करते हो अपनी फैमिली की, अपने लव्ड वंस की, अपने किड्स की,
अपने पेरेंट्स की आप बहुत बहुत वरी करते हो, आपको बिल्कुल भी वरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही साइन दे रहा है कि आप बिल्कुल सेफ हो अपने लव्ड वन के साथ, तो आपको बिल्कुल भी वरी नहीं करना है। जितनी चीजों को लेकर आप वरी करोगे उतना ज्यादा परेशान रहोगे, तो बिल्कुल वरी करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेस लेना, बेफिजूल के थॉट्स आना, बचो। जब भी बेफिजूल के थॉट्स आए, ओवर थिंकिंग करने लगो ना, अपने आप को बिजी कर दो काम में, सबसे बेस्ट चीज यही है। आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो स्टॉप डूइंग ओवर थिंकिंग, तभी अपनी आपको पॉजिटिव और अपलिफ्टेड कर पाओगे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट योर एनर्जी इज कैप्रिकॉर्न। अगर पसंद आई ये रीडिंग तो जरूर लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्लेम करें इस रीडिंग को। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।